तरंग, नया जोश, नई पहल, सहयोग द्वारा जेंडर व सामाजिक न्याय में किशोरों की भागीदारी अंतर्गत किशोर किशोरी चौपाल कहानियों में आप सबका स्वागत है। अब इस कहानी में सुने माहवारी से जुड़ी भ्रांतियां एवं किशोरों का हस्तक्षेप, रिंकू की कहानी अछूत की क्या बात है। रिंकू, आजकल ममता स्कूल जाते टाइम मंदिर में माथा नहीं टेक रही। उसकी मर्जी, तू क्यों इतनी दखलअंदाजी कर रहा है? ये तो उन दिनों की बात होगी, तब तो किचन मंदिर सब जगह जाना बंद होगा। तभी कहूँ, आजकल माथे पर टीका वीका भी नहीं दिखता। तू महावारी को इतना गंदा क्यों मानता है? रिंकू पगले, महावारी के दिनों में लड़कियाँ अछूत होती है। हाँ रिंकू, पता है महावारी के दिनों में गंदा खून निकलता है। सही कहा रवि, महावारी के दिनों में सभी लड़कियाँ अपने कपड़े भी दूर छुपाकर सुखाती है। मेरे घर में तो ऐसा कुछ नहीं होता। तभी तो सब कुछ तबाह हो रहा है, कहीं बाढ़ बहा के ले जा रही है, कहीं भूकंप से लोग मर रहे हैं। रिंकू, तुम्हारे जैसे लोगों के कारण कभी हमारे समाज से सारी परंपराएं ही नष्ट हो जाएंगी। तुझे बता दूं, मेरे घर में महावारी के दिनों में महिलाएं अचार को छू नहीं सकती, उनका बिस्तर तक अलग होता है। अरे मेरे घर की सुन, पहले तो मुझे पता नहीं चला माँ कमला को हर महीने 3-4 दिन स्कूल जाने से रोकती है, बाद में पता चला महावारी के कारण नहीं जाने देती है। आप लोगों ने अपने घर की सुना दी, अब मैं अपने घर की सुनाऊं? हाँ हाँ सुना। सुनो, मैं घर में महावारी के दिनों में अपनी माँ और बहन का सहयोग करता हूँ। उनके साथ अगर कोई भेदभाव करने की कोशिश करता है तो मैं उसका विरोध करता हूँ। पता है, माँ पिताजी के डर से महावारी के दिनों के कपड़े घर से दूर सुखाने जाती थी। मैं सूखने के बाद कपड़े खुद उठा लाता था। पिताजी ने कई बार मुझे बुरा भला कहा, लेकिन मैंने उनकी बात को सुना ही नहीं। मैं तो महावारी के दिनों में बाजार से पैड लाकर भी देता हूँ। घोर अनर्थ। रिंकू, कहीं तुझे कोड़ ना लग जाए। कोड़ तो मुझे नहीं, तुम जैसे लोग समाज में फैला रहे हो। रिंकू, तू जो इतना बोल रहा है ना, कभी मेरे दादाजी के पास आ, उनसे सुन महावारी के छूत से पुरुषों को क्यों दूर रहना चाहिए। प्रेम, महावारी पर जितनी भ्रांतियाँ कुरीतियाँ बनी है ना, उनका ना सिर है ना पैर, बस एक दूसरे से सुन सुन कर लोग अपनाए जा रहे हैं, जिसका असर महिलाओं और लड़कियों के जीवन पर पड़ रहा है। क्या किसी महिला को अछूत कहना उसको अच्छा लगता है? हाँ रिंकू, तू बात तो सही कह रहा है। आ गया ना रिंकू की बातों में। अरे समाज के नियम तोड़ना गलत है। प्रेम, महावारी एक जैविक प्रक्रिया है। जब से लड़कियों में महावारी का आना शुरू होता है, ये उनकी परिवक्तता का प्रमाण है। कभी डॉक्टरों से सुन, वो कहते हैं जिस महावारी के खून को कुछ लोग गंदा मानते हैं, उन्हें पता ही नहीं उसी खून से हमारा जन्म होता है। देख भाई, मैं अकेला नहीं जो इन परंपराओं को मानता हूँ, तू बता समाज को कैसे समझाएगा। हाँ ये बात तो तूने सही कही। साथियों, इस कहानी में रिंकू का आत्मविश्वास बढ़ाना जरूरी है। सुनो, महावारी से जुड़ी भ्रांतियाँ अलग अलग अंचलों में अलग अलग हैं। इन्हीं भ्रांतियों के कारण महावारी के दिनों में किशोरियाँ झेप के रहती हैं, डरी सहमी रहती हैं, घर के अंदर ज्यादा रहने लगती हैं, खासकर पुरुषों से नजर बचा के चलने लगती हैं और अपने आप को अछूत मानने लगती हैं। इन्हीं कारणों से किशोरियों का स्वास्थ्य कमजोर होने लगता है और स्कूल की पढ़ाई छूटने लगती है, जबकि महावारी एक जैविक प्रक्रिया है, इसमें छूत अछूत जैसी कोई बात नहीं है। किशोरों को महावारी से जुड़ी भ्रांतियों को तोड़ना चाहिए। अपने घर परिवार में महावारी के दिनों में महिलाओं को सहयोग करना चाहिए। इस कहानी में रिंकू के बारे में आपकी क्या राय है? आपके आस पड़ोस में महावारी से जुड़ी किस किस तरह की भ्रांतियाँ हैं? महावारी के दिनों में किशोरियों से जुड़ी भ्रांतियों को तोड़ने में किशोरों की क्या भूमिका हो सकती है? उपरोक्त सवालों के जवाब आपको दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर भेजना है। साथियों, आपने रिंकू की कहानी अछूत की क्या बात है सुनी, आपका धन्यवाद। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर बता सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7376529839।